कुमार विश्वास को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। कवि ने किया सीएम केजरीवाल पर कटाक्ष। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास और भगवान श्री राम के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ईमेल में जान से मारने की धमकी देने वाले इंदौर निवासी लोकेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने आवेश में आकर कवि कुमार विश्वास और भगवान श्री राम के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लोकेश शुक्ला सुदामा नगर इंदौर का रहने वाला है और उसे इंदिरापुरम की टीम ने सुबह 3 बजे गिरफ्तार किया है। वो इंदौर में कविता और शायरी लिखता है। पूछताछ में उसने बताया कि कवि कुमार विश्वास द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवान श्री राम पर कविता या कोई बात कहने से वो नाराज हो जाता था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रभावित है। पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लोकेश ने कवि कुमार विश्वास को 23 अक्टूबर को सबसे पहला धमकी भरा मेल भेजा था। इसके बाद उसने अगले 4-5 दिन तक कवि कुमार विश्वास को धमकी भरे मेल किए, जिसमें उसने शहीद उधम सिंह की कसम खाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। लगातार धमकी भरे मेल मिलने के बाद कवि कुमार विश्वास के कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई। कवि कुमार विश्वास ने लगातार मिल रही धमकी के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि अब उन्हें और उनके चिंटुओं को मेरे द्वारा राघवेंद्र सरकार राम का महिमा मंडन करना पसंद नहीं। वे कह रहे हैं कि मार देंगे, ये सब ठीक है, पर अपने चिंटुओं को बोलो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गाली न बकें। रावण का वंश तक नहीं बचा। इस पोस्ट में उन्होंने इंदिरापुरम थाने को दी गई शिकायत की कॉपी भी अपलोड की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।